तो क्या हालचाल। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग और दोनों है। और आज की जो न्यूज़ है निकल के आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल न्यूज़ है। तो भाई आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो न्यूज़ निकल के आई है वो है BGMI बैन के ऊपर। मतलब देख रहे हो, मतलब BGMI आए हुए एक साल भी कम्प्लीट नहीं हुआ और BGMI बैन की न्यूज़ आ चुकी है। तो भाई लोग, BGMI बैन की जो न्यूज़ है वो क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। तो बस चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई लोगों, आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक NGO ने अपने IT मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा कि भाई BGMI और PUBG सेम टू सेम है, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं है। NGO का मानना ये था कि भाई PUBG ने रीब्रांड करके उसका नाम और बस हुलिया चेंज करके उसको इंडिया में वापस घुसा लिया है, और इस ये बिल्कुल सेम टू सेम है तो इसको परमानेंट बैन करना चाहिए। तो भाई NGO का मानना ये है कि भाई PUBG रीब्रांड करके इंडिया में वापस घुसा है वगैरह वगैरह। तो भाई NGO का लेटर पे मिनिस्ट्री ऑफ IT ने जो रिप्लाई आया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में। तो भाई बात कुछ ऐसी थी कि भाई हैदराबाद का एक बंदा है अनिल करके, जो बेसिकली एक एडवोकेट था, उसने अपने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक PIL फाइल करी थी, और उसने NGO की तरफ से PIL फाइल करी थी कि भाई BGMI और PUBG बिल्कुल सेम टू सेम है, इनको परमानेंट बैन कर दो वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ IT मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने जो रिप्लाई किया था, तो उसमें मतलब इन्होंने गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई देखो PUBG और BGMI बहुत ज़्यादा अलग है, वो नहीं, उसको हम बैन नहीं कर सकते। और बस अब इसका मतलब यही है कि भाई अब कुछ भी हो जाए BGMI को आप किसी रीज़न से आप बैन नहीं कर सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर BGMI बैन होगा तो उसका बस एक रीज़न हो सकता है, जब गवर्नमेंट चाहेगी। अरे कहना क्या चाहते हो, वरना तो BGMI बैन नहीं होने वाला। तो बस आप लोग चिल करो, टेंशन मत लो, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो। बाय बाय, बस हो गया।